वफ में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं। अब अलग हम लोग को सिर्फ वक्फ बोर्ड से या नहीं तो सिर्फ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से पैसे लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो हर कम्युनिटी के लोगों को वो उसमें ग्रांट और फंड दिया जाता है। अब उसको हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि वो स्कीम्स के तहत हम कितना अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, खासकर वक्फ लैंड्स का उसको कोशिश करना चाहिए। 7 एकड़ की ज़मीन है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, अब उनको हम हटा नहीं सकते, बहुत सालों से जो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जो घरों में वो रह रहे हैं वो भी जो है बहुत ही एक ज़माने में बनाए हुए हैं, आउटडेटेड हैं वो सब भी, तो उसको हम किसी एक स्कीम की तरह हाई राइज बिल्डिंग कुछ बनवा के उनको उसमें शिफ्ट करके बाकी का दूसरा दूसरी जो ज़मीन खाली ज़मीन वेकेंट लैंड रहेगा उसमें हॉस्टल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओ या शादी महल बनाओ, इस तरह ही बना सकते हैं। उसके लिए भी स्कीम्स हैं। मेरी बातचीत भी है यतीम खाने के कमेटी के मेम्बर्स के साथ, इंशाल्लाह वो लोग बेंगलोर कुछ दिनों में आएंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे और इंशाल्लाह इसमें जितना भी इसमें हम लोग फ़ायदा सिर्फ इस यतीम खाने की कमेटी के लिए नहीं लेकिन कौम को भी, गुलबर्गा की कम्युनिटी के लिए भी जो पहुँचा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं उसको लेके हम आगे डिस्कशन करके आगे बढ़े। हमारे नासिर हुसैन साहब जो राज्यसभा मेंबर हैं, साथ ही साथ वो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ अवकाफ के भी मेंबर हैं, तो उन्होंने यहाँ पर आके सर्वे किया और हम तमाम मैनेजिंग कमेटी की जानिब से जनाब नासिर हुसैन साहब को एक तहरीरी रिप्रेजेंटेशन भी उनको दिया है कि आपके जो एमपी लैड होता है उसमें से कुछ फंड यतीम खाने के लिए भी देने के लिए हमने उनको मुतालिबा किया है, तो उस पर उन्होंने हमें वादा किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में अपने एमपी लैड के ज़रिए से वो यहाँ यतीम खाने के वो अमाउंट यहाँ पर ये करेंगे। तो साथ ही साथ मैं नासिर हुसैन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकाल कर यतीम खाने के लिए दिया है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे ग्रीवेंसेस थे यतीम खाने को लेकर, यतीम खाने के डेवलपमेंट को लेकर, वो तमाम ग्रीवेंसेस को वो कंसीडर करेंगे और उस पर पूरी तरह से काम करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ हम यतीम खाने के अंदर हमको यतीम खाने को भी डेवलप करना है, इनकम जनरेट भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको एकोमोडेट भी करना है, उनकी भला और बहबूदी के लिए काम करना है, उनके एजुकेशन के लिए काम करना है। वुमेंस वर्किंग हॉस्टल के लिए भी हमने डिसीजन ले चुके हैं लेकिन फंड्स की कमी की वजह से थोड़ी ताखिर हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे ग्रीवेंसेस और हमारे नुमाइंदगी पर वो तवज्जो करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द, देर होगा लेकिन काम इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आज सैयद नासिर हुसैन राज्यसभा मेंबर हमारे यतीम खाने में तशरीफ़ लाए और सारा यतीम खाने का जो है ना सर्वे किया, यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए उसके ताल्लुक से जो है ना हमारे पूरे कमेटी के मेंबर, सदर, सेक्रेटरी, सारे मेंबर सब मिलके उनको जो है ना डिटेलिंग करें, सारी तफसील बताई गई। और ये तो इंस्पेक्शन, फिज़िकली इंस्पेक्शन भी किया गया, स्पॉट पे देखे, घूम के सारी चीज़ देखें। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे फाइनेंशियली कंडीशन को लेके बढ़ाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसलिए किया जा रहा है, ज़्यादा फोकस उस पर इसलिए दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त पे अगर हमारे पास फंडिंग होगी और ज़्यादा जो है ना हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होंगे तो हम हमारे बच्चों को बोर्डिंग्स भी जो है ना नंबर ऑफ़ बोर्डिंग्स बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो है ना एडमिशन्स ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस फाइनेंशियल मंथली सोर्स ऑफ इनकम बनाने पर है और उसके अलावा मेन फोकस जो है ना हमारे बच्चों को जो है ना यहाँ पे बोर्डिंग्स देना है, यतीम बच्चों को परवरिश देना है, तालीम देना है और बच्चों की मुस्तकबिल, हमारे कौम में बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर जो है ना हम लोग फोकस कर रहे हैं। जो जगह है बहुत ही प्राइम लोकेशन पर शहर में है, कमेटी ने इसको डेवलपमेंट करने के लिए पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया है, उसी सिलसिले में मुख्तलिफ पॉलिटिशन से और लीडरान से मुलाकात की जा रही है ताकि फंड इकट्ठे किए जाएँ, उस प्लान को अमली जामा पहनाया जाए। यहाँ पर जो पुराने मकानात हैं सबसे पहले हम उसको रिहैबिलिटेशन के लिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसी के तहत आज नासिर साहब ने भी एक प्रपोज़ल दिया है कि पीएमओजी स्कीम के तहत में उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह से
मेन रोड पर और ऐवानशाही रोड पर हमारा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट करने का इरादा है, ताकि उसके ज़रिए इसके रिसोर्सेज बढ़ाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम यहां पर अकोमोडेट कर सकें और उनकी तालीम का इंतज़ाम कर सकें।